नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक स्ट्रेटेजी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और उसका पूरा एनालाइज करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर किसी बंदे के पास 1 लाख कैपिटल होगी तो मैं लेटेस्ट 15 दिन का कुछ बैक टेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ लेटेस्ट, ताकि और ज़्यादा मज़ा आए। कि अगर उसके पास 1 लाख कैपिटल होगी, अगर वो रिस्क पर ट्रेड 1% लेता होगा तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये स्ट्रेटेजी से 45% तक मिल सकता है। वही बंदा अगर थोड़ा कंजर्वेटिव है, अगर वो 0.75% का रिस्क लेता है तो उसको 34% तक रिटर्न मिल सकता है। अगर वो बंदा थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, अगर वो 1.5% तक का रिस्क ले सकता है पर ट्रेड, तो उसको 68% तक रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी की एक बहुत बड़ी खूबी है। दूसरा मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग जो मैंने लेटेस्ट किया, तो लास्ट 15 वर्किंग डेज में सिर्फ मुझे 3 बार लॉस कंक्लूसिवली हुआ इन टोटल। तो 19 अक्टूबर से 6 नवंबर का पूरा एनालिसिस मैंने किया है और वो डेली प्रॉफिट एंड लॉस का आप चार्ट भी देख लो तो चार्ट से ज्यादा पता चलेगा कि किस तरह से हुआ है। देखो ये पूरा चार्ट देख लो आप। ठीक है, अब एक और चीज देख लो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कोई नहीं बताता और बहुत रेयर लोग फॉलो करते हैं, ये इसका PNL एरिया है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऊपर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कब कितनी कितना बड़ा हुआ, कितना छोटा हुआ और लॉस। अब इसमें कब खूबी देखो, ये चार्ट में ये जो लॉस है वो हमेशा फिक्स है। ये कितनी लोगों की बुक में आपको दिखाई देगा, देखना जो बंदे की बुक में लॉस फिक्स नहीं हो वो मार्केट में कभी जीत नहीं सकता। और उस साइड प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बहुत बड़ा, देखा। तो ये होना चाहिए एक सही ट्रेडर का बुक जर्नल। और यहाँ पे 19 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक मुझे जितने स्टॉक में मेरी ये स्ट्रेटेजी के बेस पे जब जब मुझे ट्रेड मिला, उसकी एंट्री क्या थी, कितनी क्वांटिटी थी, कितना टारगेट हुआ, क्या स्टॉप लॉस था, कहाँ पे मैं एग्जिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ पर्टिकुलर ट्रेड में, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कितना हुआ, अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग फॉलो करता या तो ट्रेलिंग करके करता तो क्या होता, सब कुछ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। किसी को चेक करना हो तो आराम से ये एक्सेल शीट में चेक कर सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और उस चीज़ का मैंने इक्विटी कर्व भी बनाया है देखो, ताकि बंदे को पता चले सब कुछ। पूरा इक्विटी कब आप देख सकते हो ट्रेड वाइज। और यहाँ पे जैसे कि ये ब्लू वाला इक्विटी कब है, वो जैसे अगर हम स्पेसिफिक रिस्क रेशियो फॉलो करते हैं उस टाइम का है, और ये वाला जब हम SL ट्रेल करते हैं उस टाइम का है। तो दोनों के व्यू पॉइंट से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब जो पूरा जो एनालिसिस किया है उसके पीछे के कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजी है, क्या एनालिसिस मेरा रहा है, किस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी का ओवरऑल एक्यूरेसी भी 60% के आसपास है, और जो लास्ट 15-17 डेज का मैंने आपको रिजल्ट बताया वो भी मेरा 60.3% के आसपास आया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया 1.7। ठीक है, अब आगे जाते हैं कि जो ओवरऑल जो मैंने ट्रेड लिए उसमें से टोटल कितने ट्रेड थे, तो 106 प्रॉफिटेबल कितने ट्रेड हुए, 64, और लूजिंग ट्रेड कितने हुए, 42। ठीक है, अब किसी को जानना हो एक्यूरेसी वाइज अलग तरीके से कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेड, इसकी एक्यूरेसी जाननी हो तो टोटल इन टर्म्स ऑफ मनी 86,460 जो कि हो रहा है 67.80%, और लॉस इन टर्म्स ऑफ लूजिंग ट्रेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज अराउंड 41,000, सो दैट इज 32। तो मैंने आपको मॉनेटरी टर्म्स में भी बाइफर्गेट करके इसका पूरा रिजल्ट बता दिया। ये जो मैंने आपको स्टडी ऑलरेडी करवाया था कि अगर मैं मामूली एवरेज अगर 1% रिस्क से भी चलता हूं तो भी मुझे 45% रिजल्ट इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे ट्रेडर हो। अब ये पर ट्रेड का इक्विटी कर्व है, ठीक है, ताकि आपको पता चले अच्छी तरह से। और ये पर डे का है, जो वो भी आपको मैंने स्टडी करवाया था, यहां पे स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सको।
ये भी मैंने बताया था जो खास इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एक सही ट्रेडर और गलत ट्रेडर का डिफरेंस बता देती है। लॉस फिक्स है मेरा, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है और ये सब मेरे सब्सक्राइबर के लिए है, ठीक है। दूसरा कि जैसे ही आप ये सिस्टम में ज्वाइन होंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑलरेडी मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हुए, ट्रेनिंग कभी भी कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। डिटेल ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग में स्ट्रेटेजी, उसका एग्जीक्यूशन, स्टॉक सिलेक्शन, उसकी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ पे प्रॉफिट करना है, पोजिशन साइज, सब कुछ आएगा उसमें। और आपको मैं एक वेब बेस्ड टूल का एक्सेस दूंगा ताकि आपका एग्जीक्यूशन जो पार्ट है वो ईजी हो जाए। तो ये जो वेब बेस्ड टूल है वो खास ऑर्डर प्लेसिंग के लिए बना है, इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे वर्किंग प्रोफेशनल भी काम करते हैं, उनको ऐसी स्ट्रैटेजीज चाहिए कि जिसमें टाइम ज़्यादा ना लगे, और ये वेब बेस्ड टूल आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकोगे। दूसरा, टाइम टू टाइम मुझे आपको अपडेट देनी होती है तो इसके लिए मैं आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का भी एक्सेस दूंगा। तो अब इसमें ज्वाइन होना हो तो कैसे कर सकते हो? आपको कुछ पैसा तो देना नहीं है, पूरा सिस्टम फ्री है। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपना फायर्स का एक अकाउंट ओपन करना है, और मेरे दूसरे वीडियो देख लेना, मैंने उसमें समझाया था कि ये स्ट्रेटेजी के लिए अपने फायर्स को क्यों चुना, क्योंकि कुछ रीजन से कुछ हमें फीचर्स चाहिए जो यहीं पे ही अवेलेबल है। तो ये लिंक भी आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप फायर्स का अकाउंट ओपन कर लो, बाद में अपनी डिटेल्स ये गूगल फॉर्म में डाल दो, ये भी लिंक दे दिए, तो आसानी से इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो। काफ़ी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। दूसरा, अगर इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट में फ्री फायर्स करके एक सेक्शन बनाया है, उसमें आप डिटेल जान लो कि किस तरीके का है ये प्रोग्राम। ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सअप इस नंबर पर कर सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आई होप कि आप अच्छी तरह से पैसा कमाओगे, टिप्स और शॉर्टकट को फॉलो नहीं करोगे, तभी आपके घर में एक अच्छी इनकम आएगी।